यहाँ पे जैसे कि हमारे पास इस तरीके के डाटा रहेगा, जैसे कि इस तरीके के डाटा मेरे पास है, बहुत सारा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ओके, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको दो तीन ऐसी बातें जो आपको बहुत लोगों को पता नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके देख रहा हूँ, प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे जो हमारा फील्ड है ना, वो पूरा डाटा नहीं आ रहा है, इसमें सेट नहीं हो रहा है कि मतलब कट हो रहा है, कि मतलब यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट तक है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कॉन्टेक्ट ही तक है, लेकिन हमारा डाटा कितना है देखो, यहाँ के सब टोटल यहाँ तक है, लेकिन हमारा डाटा जब भी हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो इतना ही तक आता है ना। तो ये भी हम एक देखेंगे इस वीडियो में। ओके, और एक देखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा को ऐसे करता हूँ नीचे स्क्रोल, तो ये हमारा हेडिंग है ना, ये हेडिंग भी ऊपर की तरफ चला जाता है और हमें फिर पता नहीं चलता है कि ये जैसे कि यहाँ पे हमें ये सीरियल नंबर है, ये आइटम है, सेल परचेज, ये सभी हमारा ऊपर में आना चाहिए, इसको हम फ्रीज करेंगे। ओके, ये भी इस वीडियो में हम बताएंगे। और पेज सेटअप में क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा पूरा यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ जाए। तो चलो जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया और देखो यहाँ पे इतना ही प्रिंट हमारा होके आएगा। क्यों? पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, डाटा लेंदी है थोड़ा सा, इधर मैंने ज्यादा किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू पे नहीं जाके, आपको इतना में पेज लेआउट है इसमें जाएंगे। सबसे पहले देखो अभी मैं करता हूँ तो आपको डाटा यहाँ कॉन्टेक्ट तक ही आएगा, लेकिन देखो जैसे कि मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो कॉन्टेक्ट तक ही आएगा। यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट तक ही आया, लेकिन हमारा आगे भी था, तो वो सभी सेट हो जाए। तो उसके लिए सब उससे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे मार्जिन है ना, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेज है ना, इस पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखेगा पेज मार्जिन हेडर फुटर शीट्स। ओके, तो पेज पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो यहाँ पे एडजस्ट टू ये नॉर्मल साइज है कि 100%। ओके, तो हम क्या करते हैं, फिट टू यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ फिट टू 1 और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, सब पूरा फिट हो गया। इसमें क्या हुआ, हमारा डाटा जितना है इस शीट में हमारा फिट हो गया। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पूरा आ गया है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम वही करेंगे, देखो यहाँ पे मार्जिन पे जाएंगे, कस्टम मार्जिन, और हम यहाँ पे पेज पे यहाँ पे हम कर देंगे फिट टू 1 और यहाँ ओके कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी करके देखते हैं, तो कंट्रोल पी करके भी देखते हैं तो भी यही पेज आते हैं, तो आपको इस तरीके के आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो भी करना है उसको सेटिंग कर लेना। ओके, तो अभी हम प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। तो देखो यहाँ पे देखो सभी डाटा आ गया, यहाँ पे सभी आ गया। हमारा क्या है, नीचे से हमारा मतलब नहीं है, नीचे जितना तक जाए, लेकिन यहाँ पे देखो जितना था सभी हमारा हेडिंग एडजस्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके के भी आप बहुत प्रॉब्लम होता है, इस तरीके के बहुत लोगों को प्रॉब्लम ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, तो इस तरीके का आप करना। अगर हमें ये देखो जैसे कि ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इसको हमें हेडिंग को क्या करना है, यहीं पे रखना है कॉन्स्टेंट, और ये डाटा हमारा ओनली हमारा स्क्रोल करेगा। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ऊपर सभी को सिलेक्ट करेंगे हम अपने हेडिंग को, और यहाँ पे जाएंगे व्यू पे। देखो व्यू पे जाने के बाद, यहाँ पे व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देख लो फ्रीज पैंस है, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रीज टॉप रो इस पे सिलेक्ट कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अभी देखो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको नीचे ले जाते हैं, स्क्रोल करते हैं, तो देखो हमारा ऊपर का हेडिंग है वो दिख रहा है, हेडिंग नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा डाटा ही नीचे जा रहा है। देखो हेडिंग सभी उतना ही वैसा ही है। ओके, हेडिंग ये हमारा जो हेडिंग है वो ऐसा ही रह गया कॉन्स्टेंट, और हमारा वो नीचे से सभी जा रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अच्छे से हमें दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके के
समस्या आते रहते हैं, क्योंकि हम भी जब भी एक्सेल में आए थे चलाने सीखने शुरू से, तो इस तरीके के हम भी प्रॉब्लम हो रहे थे। तो सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि जिसको प्रॉब्लम हो रही है उस समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है ये कैसे करूँ, तो उसके लिए ये वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।